दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लाने की तैयारी। झारखंड के छात्रों के लिए राज्य सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लाने की तैयारी कर रही है। योजना ये है कि इसके तहत छात्रों को उनकी ज़रूरतों के अनुसार क्रेडिट कार्ड के जरिए 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन बगैर किसी गारंटी के उपलब्ध कराया जाए। आगामी 29 दिसंबर को झारखंड की मौजूदा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के दौरान इस योजना की लॉन्चिंग की घोषणा की जा सकती है। मीडिया की खबरों को माने तो इस योजना का प्रारंभिक प्रारूप लगभग तैयार कर लिया गया है। इसमें राज्य के स्थायी मूलवासी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के छात्रों को स्पेशल रियायत दी जा सकती है। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में एक दिन में आए कोरोना के 55 नए मामले। झारखंड में कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 55 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। रांची और कोडरमा में 22-22 नए संक्रमित मिले हैं। इन दो जिलों में संक्रमितों में अचानक हुए इजाफे ने स्वास्थ्य महकमे में चिंता बढ़ा दी है। बता दें कि कोडरमा में बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज मिलने से संक्रमण के फैलने की आशंका बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिले के DC को कोरोना जांच बढ़ाने और संक्रमितों को अलग कर उनका इलाज करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने वैक्सीनेशन में तेजी लाने और मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी कोरोना प्रोटोकॉल को हर हाल में लागू करने की हिदायत दी है। बड़ी खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से पर्यटन विभाग के अधीन संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन के प्रिंसिपल और विभागाध्यक्ष ने शिष्टाचार मुलाकात कर क्रिसमस की बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही विद्यार्थियों द्वारा तैयार केक, बिस्किट भी सप्रेम भेंट किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि झारखंड के युवाओं के लिए होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं। इस दिशा में यह इंस्टीट्यूट विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रहा है। यह सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे संसाधनों और प्रयासों का परिणाम है। दोस्तों, बड़ी खबर है, ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार भेजेगी 10 राज्यों में स्पेशल टीम। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि 10 राज्यों में स्पेशल टीमें तैनात की जाएंगी। ये वे राज्य हैं जहां ओमिक्रॉन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं या फिर वैक्सीनेशन की रफ्तार काफ़ी धीमी है। इन राज्यों में केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और झारखंड शामिल हैं। ये टीमें 3 से 5 दिनों तक इन राज्यों में रहेंगी और वहां स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेगी। मंत्रालय के अनुसार ये टीमें खास तौर से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, सर्विलांस, कंटेनमेंट ऑपरेशन और कोरोना टेस्टिंग पर नज़र रखेंगी। दोस्तों, बड़ी खबर है, गुमला के डुमरी में पुलिस ने पकड़ी शराब की बड़ी खेप। दोस्तों, गुमला के डुमरी पुलिस ने 26 पेटी देशी व अंग्रेजी शराब बरामद की है। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि नशे का यह सामग्री जिले के अलग अलग इलाकों में पहुंचाया जाना था। इससे पहले ही वाहन जांच अभियान के दौरान डुमरी पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से सारा सामग्री बरामद कर लिया। पता जा रहा है कि वाहन को भी जब्त किया गया है। डुमरी पुलिस ने CP चौक में वाहन जाँच अभियान चलाया था। इस दौरान चैनपुर की ओर से एक स्कॉर्पियो तेजी से आ रही थी। पुलिस के द्वारा उक्त वाहन को रोकने पर चालक एवं उसमें सवार दूसरा शख्स भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद वाहन की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन के अंदर से 26 पेटी देशी व विदेशी शराब बरामद की गई। दोस्तों, बड़ी खबर है, पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना वायरस के 7,189 नए मामले। पिछले 24 घंटे के दौरान 7,189 नए मामले सामने आए हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार एक दिन में 7189 लोगों ने कोरोना वायरस संक्रमण के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। इसके साथ भारत में कोरोना वायरस के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 3,47,79,815 हो गई है, जबकि एक्टिव मामलों में कमी आई है और अब ये 77,032 मामले हैं। सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार 387 लोगों की कोरोना वायरस से मौत भी हुई है। इसी के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,79,520 हो गई है। 24 घंटों में सक्रिय मामलों में 484 मामलों की कमी रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय COVID-19 रिकवरी दर 98.40% दर्ज की गई है। दोस्तों, बड़ी खबर है, व्हाट्सएप में जल्द आ सकते हैं 5 नए फीचर्स। दोस्तों, काफ़ी पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप यूजर्स के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए ये नए नए फीचर्स को जारी करता रहता है। कंपनी अभी भी कई नए फीचर्स पर काम कर रही है। इन फीचर्स से यूजर्स को चैटिंग एक्सपीरियंस और भी मज़ेदार हो जाएंगे। ये फीचर्स जल्द हमें व्हाट्सएप में देखने को मिल सकते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि व्हाट्सएप यूजर्स के लिए मैसेज डिलीट करने का टाइम लिमिट को चेंज करने वाला है। अभी व्हाट्सएप 1 घंटे 8 मिनट और 16 सेकंड तक भेजे गए मैसेज को डिलीट करने का ऑप्शन देता है। WA बीटा इन्फो के अनुसार कंपनी इसे बढ़ाकर 7 दिन तक कर सकती है। बता दें कि व्हाट्सएप जल्द यूजर्स को ऑडियो प्लेबैक स्पीड कंट्रोल करने का फीचर दे सकता है। इससे यूजर्स ऑडियो मैसेज या वॉइस नोट्स की प्लेबैक स्पीड को कंट्रोल कर सकेंगे। व्हाट्सएप एक नए फीचर को टेस्ट कर रहा है। इस फीचर से यूजर्स किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट से अपनी प्रोफाइल फोटो, लास्ट सीन और स्टेटस को हाइड कर सकते हैं। इस फीचर्स को फिलहाल एंड्रॉयड और iOS के लिए टेस्ट किया जा रहा है। साथ ही व्हाट्सएप वेब के लिए कंपनी ने अभी स्टिकर मेकर टूल जारी किया है। अब रिपोर्ट ये भी आ रही है कि ये फीचर मोबाइल ऐप के लिए भी जल्द आने वाला है। अभी व्हाट्सएप पर स्टिकर सेंड करने के लिए प्री लोडेड स्टिकर या किसी थर्ड पार्टी ऐप का यूज करना होगा। दोस्तों, बड़ी खबर है, सेवा की गारंटी में शामिल हुआ प्रदूषण बोर्ड की 6 सेवाएं। दोस्तों, प्रदूषण नियंत्रण परिषद की 6 सेवाओं को सेवा की गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत शामिल किया गया। वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रस्ताव पर सरकार की मंजूरी के बाद कार्मिक विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत ऑथोराइजेशन अंडर कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत आवेदनों का स्क्रूटनी प्रशाखा पदाधिकारी 7 दिनों के अंदर, मेंबर सेक्रेटरी 90 दिन व चेयरमैन अधिकतम 180 कार्य दिवस में निपटारे करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। बता दें कि राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत यह स्वीकृति दी है। दोस्तों, बड़ी खबर है, रांची के सड़कों पर पलटा शराब लदा वाहन। दोस्तों, रांची के जोरहार सड़क के समीप सड़क पर बियर ही बियर नजर आने लगी। बता दें कि ऐसा इसलिए क्योंकि उस सड़क पर शराब से लदा वाहन पलट गया था। मिली खबरों को माने तो बियर की बोतलें कश्मीर से टाटी सिल्वे स्थित महिलोंग लाई जा रही थी, लेकिन जोरहार के पास ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक में बियर लदा था। ट्रक के पलटते ही यातायात बाधित हो गया। रांची पुरुलिया रोड पर दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई थी। हादसे की वजह से वहां घंटों आवागमन ठप रहा। सूचना पर पहुंची नामकुम पुलिस ने क्रेन मंगवाकर गाड़ी को हटवाया। इसके बाद यातायात शुरू हो सका। इस बीच सड़क पर बियर पड़े होने की सूचना मिलते ही वहां लोगों की भीड़ लग गई। दोस्तों, बड़ी खबर है, भारतीय महिला हॉकी टीम के कैंप के लिए हुई 4 बेटियों का चयन। भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही सिमडेगा की सलीमा टेटे के बाद प्रतिभाओं की नई खेप सामने आने लगी है। आगामी 27 दिसंबर से बेंगलुरु में आयोजित होने जा रही भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए सिमडेगा से 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है।
वहीं झारखंड से कुल 6 बेटियां इस कैंप में शिरकत कर रही हैं। इस कैंप में विभिन्न राज्यों से कुल 60 महिला हॉकी खिलाड़ियों को शामिल होने का मौका मिला है। इन सभी खिलाड़ियों का विशेष प्रशिक्षण शिविर चलेगा। आगामी 12 जनवरी को इनका ट्रायल लिया जाएगा। इसमें बेस्ट 33 खिलाड़ियों का चयन कर सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के कोर ग्रुप में रखा जाएगा। बता दें कि झारखंड के सिमडेगा से इन कैंप में संगीता कुमारी, सुषमा कुमारी और अल्फा क्रिकेटा का मौका मिला है। इसके अलावा सलीमा टेटे पूर्व से ही टीम में शामिल है। साथ ही खूंटी से ओलंपियन निक्की प्रधान और रांची से रीमा बाखला शामिल हैं।